जब जब पवार ब्रदर से मिला हूँ ना, जो भाई है अपना पवार भाई, तो उसने मुझे हर बार यही कहा कि भाई जेम हो पर्सन थे निशु भाई। तो स्वागत है दोस्तों तुम लोगों का इस नए व्लॉग में। कैसे हो फ्रेंड लोग, सब बढ़िया? देखो अभी मैं जा रहा हूँ करोल बाग, ठीक है, डीजे ऑटोमोटिव पे, ठीक है। अब जो डीजे भाई है ना अपने, उनका नाम है धीरज, ठीक है। तो धीरज भाई है अपने, उनकी एक गाड़ी है फॉर्च्यूनर जिसको हम कवर करने जा रहे हैं, एंड जो अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ बातें करनी है वो भी उनसे हो जाएगी, और कुछ ऐसी हल्की हल्की छोटी मीटिंग है वो भी करनी है, साथ में मिहिर गर्ल पे एपिसोड भी बनाना है। एंड अभी जब मैंने व्लॉग चालू किया ना, अभी की ही जस्ट बात है, शैंकी को भाई वंस अगेन एक प्लेन आसमान में दिखा जो कि रुका हुआ था, है ना? रुका हुआ। तुम लोग, भाई मेरी बात तो कंप्लीट होने दे, तुम लोगों को क्या लगता है प्लेन आसमान में उड़ता है ना, वो टेक ऑफ करता है और रुक जाता है, ठीक है। और ये जो अर्थ है ना, ध्यान देना, ये साइंस की बातें कर रहा हूं मैं, ये जो अर्थ जब रोटेशन मारती है ना ऐसे, ठीक है, जब अर्थ घूमती है ऐसे ऐसे, तब वो प्लेन अपनी वो प्लेन आसमान में ही रहता है, ठीक है। वो अर्थ घूम रही है, इससे वो दिल्ली से जयपुर पहुंच गया, वो अर्थ घूमी, वो जयपुर से चेन्नई पहुंच गया, तुम समझ रहे हो, प्लेन आसमान में रुक जाता है। ये शैंकी भाई की थ्योरी है। फादर ऑफ एरोप्लेन लॉजी, एरोप्लेन लॉजी, यू लॉजी एरोप्लेन, आई एम दोजी एरोप्लेन दोजी यूलोजी, ठीक है। तो तुम समझ गए, प्लेन उड़ता है, प्लेन टेक ऑफ होता है, प्लेन वही टिक जाता है, ठीक है ना शैंकी? थोड़ी हमने आपकी थोड़ी सही तरीकों से बयां करी, बहुत बढ़िया भाई, क्लैप हो जाए इसी बात पे। आपकी फीलिंग को हम बयां कर रहे हैं, आप समझ रहे हो मेरी बात, है ना? आपकी ही भावना है, आपकी ही थ्योरी है। तगड़ा कवर करा है तूने जो प्लेन जयपुर तक, पर साले इसमें मेरा तो कुछ नहीं था, तेरे ही तो था, तूने तो बनाया दिल्ली से जयपुर ले गया, फिर अर्थ घूम रहा है। वो तो है, पर प्लेन रुक जाता है वो किसका है, ये तो बता दे। मैंने तो बस ऐसे ही बोला कि प्लेन रुक गया है। शैंकी दादा क्या है, कोई कुछ? मैं कुछ नहीं बोल रहा भाई, ये लोग करेंगे रिपीट, मैं क्यों करूंगा? शैंकी बोल दे कोई कुछ बोल सकता है क्या? अभी ना ड्राइविंग करते हुए मुझे मेरी गाड़ी में ना पता ड्राइविंग कर ले, अरे भाई एक मिनट, मुझे मेरी गाड़ी में कैसी चीज मिली है ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मुझे लग रहा है भाई ये जो शशांक चौधरी बैठा है ना मेरे बगल में, ये यार कहीं काला जादू वगैरह तो नहीं कर रहा? ये देखो क्या पुड़िया मिल रही है मुझे, क्या भाई ये पुड़िया क्या बना रहा है तू, काला जादू कर रहा है क्या? पुड़िया मिल गई तो पी ले मेरी पुड़िया, ठीक है दोस्तों। भाई तुम्हारे भाई ने यहाँ पे गाड़ी छोड़ दी है पार्किंग के लिए, ठीक है, चलो चल बेटा शैंकी, चल शैंकी मेरा बच्चा है ना, हाँ शैंकी ले ले ले, भूखे भूखा बच्चा है। गाड़ियों का सामान बेचते हो आप, गाड़ी चलाने में इतना झिझक क्यों हो रही है पहले मुझे ये बताओ? क्योंकि मैं ऑटोमेटिक चलाता नहीं हूँ ज्यादा। अच्छा ये बात है क्या? अरे मैनुअल में ही है। और बता दो अपने बारे में यार, क्या चल रहा है फिर आजकल? आजकल कुछ नहीं, बस आपका इंतजार हो रहा था। अच्छा आजकल से इंतजार हो रहा था बस? हाँ ये बात तो ऐसे दो तीन दिन से तो चल रहा था अपना प्लान यार। हाँ बिल्कुल यार, आपको टाइम नहीं मिल रहा था। ये अपने दूसरे वाले धीरज भाई है, ठीक है, अपने जो पहले धीरज भाई थे वो तुम जानते हो, तो लापता है ना तो ये दूसरे धीरज भाई है अपने। धीरज भाई मुझे ये बताओ मार्केट में कैसा धुम्मा काट रखा है? बस ये सही सही अरे बोली सही, ये मेरा जाट भाई है ना पीछे, तो इससे मैं क्रेडिट करता रहता हूँ। चौधरी साहब है ये, चौधरी साहब मैंने सही बोली ना भाई? अच्छा अच्छा जाट साहब हो आप, अरे कुछ बोल भी नहीं रहा। हाँ भाई आगे देखना आप वीडियो में, उसी में बताएंगे। तो वो तो देखो एपिसोड बनाने जा रहे हैं, ठीक है। पर यार आप मुझे बता रहे थे यहाँ पे गौतम गंभीर कुछ क्या था वो हवेली में लिए? हाँ वो उनका मिलता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, हाँ हाँ, तो उसके बाहर काफी ज्यादा शांति है, तो लोकेशन बढ़िया है वहाँ पे शूट करने के लिए, तो वहाँ चल रहे हैं फिर, तो वही चल रहे हैं हम। चलो ठीक है, तो मैं गौतम गंभीर भाई साहब का घर भी दिखाते हैं, ठीक है। और सबसे मेन चीज क्या है भाई, अभी हाल ही की यार पिछले दो तीन दिन पहले की खबर है, अपने यार एक भाई है निशु देसवाल जो ट्रैक्टर असिस्टेंट वाजी करते थे, मैंने सुना, हाँ, तो उनकी डेथ हो गई यार। मैं अभी वही पवार भाई से बात कर रहा था, केसी से बात कर रहा था उस चीज के रिगार्डिंग, यार जब जब पवार ब्रदर से मिला हूँ ना, जो भाई है अपना पवार भाई, तो उसने मुझे हर बार यही कहा कि भाई जेम हो पर्सन थे निशु भाई, एंड उनसे मिलने का प्लान काफ़ी मतलब काफ़ी टाइम से बन रहा था मेरा भी। वो भी कह रहा था पवार की यार कभी आपको ले चलूँगा वहाँ पे ट्रैक्टर का पूरा सीन दिखाने, लेकिन वही यार मैंने भाई से वही बात करी, मैंने भाई को बोला कि यार देख लो अच्छे लोग ही इतनी जल्दी चले आते यार, मतलब गोल्ड बंदा था यार जितना मैंने सुना था भाई के यार में ना, पर वो ये ट्रैक्टर स्टंट के दौरान भाई की थोड़ी डेथ हो गई, लेकिन चलो भाई के लिए यार मतलब ज़्यादा हो गई, करना नहीं चाहिए ना ये सब। आपको क्या टेक है इसमें, आप ये बोलते हो कि यार ये स्टंटबाजी मत ही करो ज्यादा सही है? नहीं देखो करना चाहिए लेकिन पूरे प्रिकॉशन, देखो अब अगर मन में से आता है ना कुछ करने का कि मुझे ये करना है तो वो कर देना चाहिए, लेकिन पूरी सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस होने चाहिए बंदे के पास ना, क्योंकि कई बार क्या होता है हम अपने मन की करते हैं ना, तो जो
पीछे घर वाले रह जाते हैं या जो हमारे भरोसे हैं वो बहुत याद करते हैं फिर। कहना भी बहुत सही यार, पर जितना मुझे अभी तक पता है ट्रैक्टर भाई कुछ तो नट्स नट का कुछ तो सीन था कि अच्छा नट लूज हो गया लास्ट मौके में या कुछ क्रैक हो गया इस वजह से, पर ठीक है यार अपना सेफ्टी प्रिकॉशन था, जो भी करना है करो, पर ये सोच के कि घर हम भी यार उनके जाने का ऐसे किसी को भी ये बोल नहीं सकते ना कि उसकी गलती थी या किसी की गलती थी, जो होना था वो तो। वैसे कई बार क्या होता है हम घर से निकलते हैं एक्सीडेंट हो जाता पता ही नहीं लगता भाई कुछ हो जाता है, तो ये तो कैसे प्रेडिक्टेबल नहीं है कि क्या कब क्या हो जाए। लेकिन भाई ऐसे मुझे लग रहा है कि राइट है सीधा उसके लिए सीधा है ना। हाँ लेकिन ऐसे भाई मुझे लग रहा है आप तो सच में वो वाले इंसान हो गए, आप कोई भी अपने बगल से कोई भी ऐसा राइडर देखते होगे जो स्टंट मारता निकल रहा होगा तो आप तो बड़ा गाली देते होगे उसे। गाली तो देखो मन से निकलती है। अच्छा ऐसी बात है क्या। हाँ लेकिन एक बात बताऊं, जो ये रोड्स है ना ये वो स्टंट करने के लिए नहीं है, वो आप अपनी अलग से किसी जगह पे कर सकते हो, ये रोड्स है सबके लिए, तो आप सिर्फ अपना सोच के नहीं चल सकते, आपको दूसरे का भी ध्यान रखना है जो फुटपाथ पे से आप पैदल आते। तो भाई देखो यहाँ तक तो मैं चला के लेके आया था, ठीक है अब भाई को दे रहे हम गाड़ी कि चलो भाई चलाए यार, एंड चलते हैं यहाँ से शॉप पे वापस। अरे वाह साइड स्टेप के साथ अपने को शॉप पे यार कुछ काम भी है ना। तो भाई यहाँ कॉफ़ी चल रही है, पूरी वीडियो वगैरह बन गई है। अरे अरे शैंकी कैसी लगी भाई? सही है कॉफ़ी? अभी यहाँ पे हमने भाई जो थोड़ा सा नॉलेज वगैरह लिया है भाई से, क्या बोलना चाहेगा उस चीज़ के ऊपर? मज़ा आया? बहुत बढ़िया बातें करी भाई ने। भाई ने बढ़िया बातें करी, भाई का बात करने का काम है तू बोल दे। नहीं भाई नॉलेज की बातें करी, जो काम की बात। बिल्कुल यार बिल्कुल, टाइम पास थोड़ी करने आए हैं। बिल्कुल यार टाइम पास तुम करते भी नहीं सिवाय तेरे अलावा, मैं टाइम पास के साथ नहीं करता, मैं तेरे को बताया था है ना। तो मेरा भाई है इससे मैं कुछ भी बात कर सकता हूँ यार। डीजे भाई और बताओ फिर। हेलो डीजे भाई के साथ क्लिप बनाती है तो क्यों होता? और बताओ और बताओ क्या चल रहा है फिर? सही चल रहा है यार। भाई थोड़े वैसे नहीं लग रहे, वो जो सिंगर नहीं है पंजाबी, हार्डी संधू। हार्डी संधू नहीं, दीप जंडू। छपरा से आया तू? बिहारियों की बेइज्जती कर रहा है मतलब? तू जानता ना मेरा बैकग्राउंड बिहार का है। गलत जगह है क्या बिहार की? अच्छी जगह नहीं है यार, तूने तो मुझे पटा लिया ये बोल के। ऐसी चलो सही है सही है। जितनी थोड़ी बहुत ऑफ कैमरा बातें करनी थी हमने वो सब कर ली है, ठीक है। थोड़ी बहुत रील्स हमें आई थी दूसरे उस वाले एमजी वोडेशन के लिए, वो भी हमने कर लिया है ना। बाकी चलो इस बार रील में भाई आ रहा है। हाँ शैंकी मेरा भाई आ रहा है इस बार तहलका। भाई और कुछ खबर बताओ करोल बाग की यार, कुछ चुगलिया बताओ, अपने व्लॉग थोड़ा बड़ा करो आप। नहीं सब बढ़िया है करोल बाग में, ऐसा तो कुछ है नहीं। अच्छा मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, अच्छे लोग भी होते हैं बुरे लोग भी होते हैं, दोनों तरीके के लोग हैं। बिल्कुल मतलब सर कई लोग डिफेम करते हैं ना करोल बाग को कि इतना बुरा, ऐसा नहीं है। अच्छा काम भी बहुत होता है करोल बाग के अंदर, जैसा जैसे जैसे जिस बंदे के पास जाओगे वैसा ही होता है। और मेनली तो पता है क्या, किसी के भी पास जाओ सिर्फ यूट्यूब वीडियोज देख के मत जाओ, उनका गूगल रिव्यूज होता है, एक पोर्टल होता है, रिव्यूज चेक करो प्रॉपर। कस्टमर असली रिव्यूज छोड़ दे गूगल के ऊपर कि इसने सही काम किया है या हमारे साथ चीटिंग करी है, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हो। तो ये एक तरीका और है आप चेक कर सकते हो। नहीं बिल्कुल भाई ने बहुत सही बात बोली यार, क्योंकि YouTube वीडियो देखे काफी इंडिया ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं यहाँ पे ना, तो थोड़ा सा ये भी समझदारी से हम कर सकते हैं काम। देखो बहुत कम होते हैं भाई जैसे यूट्यूबर्स जो बिना किसी पैसे लिए वीडियो बना देते हैं, किसी की भी ले लेते हैं, क्योंकि ये एक कंटेंट क्रिएटर है रियल में। और जो बहुत सारे लोग करोल बाग में आप देखोगे ना वो पेड होते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं वीडियोस बनाने के। अरे मुझे याद आ गया, याद आ गया। अरे वो एक आध नाम तो मैं भी ले लूंगा, नाम ले रहे क्या? मेरे को किसी का नहीं, हर किसी का अपना काम है दोस्त ऐसी कोई। पर भाई जो बोल रहे हैं वो तुम लोगों के लिए बोल रहे हैं है ना, कि तुम लोगों को समझना चाहिए। क्या हो गया? अच्छा मुझे लगा सुन तो नहीं लिया जिसके बारे में बात कर रही है। अच्छा नहीं बात तो एकदम ठीक बोल रहे हो भाई। कॉफी खत्म करते हैं, सैंडविच हमने खा लिया है ना डीजी। तू डीजी मैं तेरा रागा, रोला हो गया राजीव चौक, कर दे फिर करेंगे अभी। चलो यार सारा काम वगैरह हो गया, अब निकल रहे हैं ठीक है। एंड जब भी करोल बाग आते हो तो यार काफ़ी अपने को सब्सक्राइब वगैरह मिल जाते हैं, अच्छा लगता है, फोटो वोटो खिंचवाते हैं, तुम लोग पहचानते हो इतना। हाँ गाड़ियों की वीडियो बनाते हैं हम, बहुत सही भाई। थोड़ी आगे पीछे कर लो यार। क्या है ब्रो? अच्छा कैसे यार? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एकदम से दिख गया हूं। लंबा सा हूं ना, दिख जाता हूं सबसे। हां बहुत आसान, अलग तो देख होता है, डेली डेली सैंडविच खाता हूं मैं। मैं तेरे को तो बोलती हूं कि तू बोल के चेंज करके बना, मैं बनाऊंगा, तुझे रोज ही चाहिए।
ढंग से रटी हो मिस स्क्रिप्ट तो तू अपना है? स्क्रिप्ट तो अच्छे से याद करिए तू। याद नहीं करती हूँ जो बात होता है बोलती हूँ। फील फील बढ़िया है आपके डायलॉग डिलीवरी में ना, आप मुंबई आ सकते हैं ठीक है। हाँ जी तो सैंडविच है ना, और बन जाए चिल्ला खाया बन... कभी चिल्ला भी बना दूंगी जो बेसन का बनता है, पहले बाल दाढ़ी तो कटवा। चिल्ला पता है मैंने फर्स्ट टाइम कब खाया था? ये स्टोरी पता नहीं, मैंने बताई नहीं बताई। जब मैं आकाश में था ना, आकाश इंस्टीट्यूट में, तो जब मैं आता नहीं था, 8 बजे तक पहुंचता था, तो तुम लोग भी सुन ही रहे हो ऑफ कोर्स। तो एक बार तुमने घर पे कुछ अच्छा खाना बनाया नहीं था, हर बार ही होता था उस वक्त। तो देखो चाउमिन वाउमिन ऐसे खाने का मूड होता था, ये सब कुछ खाता नहीं था। अब तो मैं बहुत कुछ खाता हूँ, वैसे अब तो मैं एक ही चीज़ खाता हूँ, पहले बहुत कुछ खाता था, नहीं खाता था। छोटो फिट अलग डायलॉग आ जाएगा यहाँ पे। तो सामने बैंक्वेट हॉल है, तो मैं चला गया था ऐसे रैंडमली खाने वहाँ पे। सामने वाला बारात घर में तो उधर मैं गया, उधर मैंने फर्स्ट टाइम चीला देखा कि ये चीला होता है। बचपन की बात है, 7th क्लास अभी भी जो नाश्ते होते हैं ना, इसको क्या बोलता है, स्टार्टर्स वो क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट स्टार्टर बोल रहे हैं। स्टार्टर उसमें गोलगप्पे, चाउमीन, टिक्की, बर्गर, उसमें चिल्ले भी होते हैं। तो तू बोलेगा ना तो हम इसका ओट्स का चिल्ला बना देंगे। अरे यार ओट्स मत खिलाओ यार, मेरी बात, ओट्स को पीस के मिक्सी में उसमें प्याज वाज मिला के बना देंगे, वो पता नहीं चलेगा। अरे यार ओट्स बहुत गंदा स्वाद होता है ओट्स का यार, लोग कैसे खाते हैं। बेसन मिला के बना देंगे ना, बेसन मिला के बोर्ड एक बार बना के दिखाइयो, चार चिल्ला बना देंगे, पेट भर जाएगा। ठीक है ठीक है। रोज रोज ये ब्रेड भी तो खराबी करता है, ये मैदे रहते हैं, तो क्या समझता है कि ये फायदे का चीज है। ब्राउन ब्रेड तो बोल रही थी कि सही होता है। अरे कुछ नहीं, सब मैदे का होता है, कोई कोई मैदा की फसल उसमें कलर डाल देते हैं। अच्छा ब्राउन हो जाता है। तो मैं एक बार ना बना के देखूंगी ब्राउन दे रही ना चिल्ला। अरे गंदी शक्ल इधर देख, इधर इधर अच्छा देख लिया, बती देख तू क्या हो गया बैक